21 दिनों की तालाबंदी तो खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है, उल्टा लगातार बढ़ते मामले परेशान करने वाले हैं। इसलिए सरकार अब बंद की मियाद बढ़ाने वाली है, लेकिन इस बार की तालाबंदी 21 दिनों के बंद से थोड़ा अलग होने वाली है, क्योंकि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था का इंजन चलाने की भी चुनौती है। तो इस बार क्या होगा अलग, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं। मौजूदा स्वास्थ्य हालात तो सरकार का इम्तिहान ले ही रहे हैं, साथ ही बेजान हुई अर्थव्यवस्था भी कई सवाल खड़े कर रही है। सरकार बंद की मियाद आगे बढ़ाने पर आखिरी मुहर लगाने की तैयारी में है, लेकिन इस बार इसमें कुछ रियायत भी मिलने वाली है। सरकार खेती के साथ साथ कारखानों और माल के ट्रांसपोर्ट को छूट दे सकती है। बंदिशों में खासकर वो इलाके रहेंगे जहां से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बात अगर 21 दिनों की तालाबंदी की करें तो देश को काफी नुकसान हुआ है और सरकार इसकी भरपाई करने का भी सोच रही होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री को इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि राजस्व में पिछले महीने 50 से 75% का घाटा हुआ है। अब मियाद बढ़ने के बाद रियायतों की बात करें तो अन्नदाताओं को छूट मिलना जारी रहेगा। सरकार ये जरूर सुनिश्चित करना चाहेगी कि फसल की उपज और खरीद में कोई परेशानी न आए और सब्जियां घरों तक पहुंचने का प्रबंध हो, मतलब देश में सब्जियों की कमी ना हो। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का इंजन चलाने और कामगारों की हालत सुधारने के लिए छोटे और मध्यम उद्योग खोले जा सकते हैं। मोदी सरकार को सुझाव दिया गया है कि फैक्ट्री में मजदूर अंदर रहकर काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहीं रहें, घर न जाएं, मतलब फैक्ट्री में बंद होकर मजदूर को काम करना पड़ेगा। दरअसल फैक्ट्रियों में काम करने वाले ज्यादातर लोग कैंप्स में रह रहे हैं, इन्हें स्पेशल ट्रेन और बस की मदद से फैक्ट्री पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली कंपनी, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सड़क की रेहड़ी पटरी, मोबाइल, इलेक्ट्रिक आदि को काम करने की रियायत दे सकती है। हालांकि मेट्रो शहरों को तालाबंदी की बढ़ी हुई मियाद में छूट मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहां से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दिशा में क्या सोच रही है, क्योंकि 21 दिनों की तरह इस बार भी संपूर्ण बंद किया तो देश कई सदियों पीछे चला जाएगा और फिर सरकार के लिए अर्थव्यवस्था की चुनौती से पार पाना मुश्किल रहेगा। वहीं अगर कुछ सेक्टर्स में छूट देने को लेकर बनाई गई सरकार की रणनीति कारगर साबित नहीं हुई तो भी मौजूदा मुसीबत के विकराल होने से सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद करेंगे कि सरकार एक ठोस रणनीति के साथ तालाबंदी की मियाद आगे बढ़ाएगी ताकि आने वाले कल में लोगों को परेशानियां ना हो। डीपी लाइव की रिपोर्ट।